तो भैया हम फिर हाजिर है ड्यूड थेफोस का अगला पार्ट लेकर भैया, जिसमें पिछले बार हमने एक कैफे खोला था भैया, बहुत प्यारा कैफे था। तो चलिए भैया फिर से उस कैफे में जाते हैं और अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओ यहाँ बिल्कुल उस कैफे को खोलना है और अपना काम स्टार्ट करना है। कैफे को खूब चलाएंगे, उससे खूब पैसा आएगा, काफ़ी चीज़ें खरीदेंगे, मज़ा आएगा। हाँ भैया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने बड़े ड्यूड थे बॉस के दुनिया में वो एक अकेला दुकान हमको कैसे मिल गया भैया, कैसे किस्मत रही समझ नहीं आता। ओए तू वो मत सोच, बस तुझे दुकान मिल गई ना तो तू अपना काम कर। ठीक है भैया, दुकान यहीं कहीं थी, तो दुकान को ढूंढ लेता हूँ भैया, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अरे भैया ये फोन किसका बज रहा है? ओए रुक, ये मेरा फोन है। ओए हेलो, मैं जैक बोल रहा हूँ, बोलो। अरे ठीक है दे दूंगा। अरे इतने जल्दी क्या है, बस कुछ पैसा आने दो फिर दे दूंगा। ठीक है मैं अभी रखता हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। अरे भैया ये किसका फोन था और क्या मांग रहा था भैया आपसे? ओए कुछ नहीं होगी, तू अपना काम कर, बस मैंने किसी से कुछ पैसे लिए थे, वही मांग रहा था वो। आपने पैसे लिए थे भैया, किस लिए? ओए मैं तुझे ये बाद में बताऊंगा, चल अभी तो हम अपने शॉप में चलते हैं और थोड़ा काम करते हैं। ठीक है भैया, वो देखिए वो रही हमारी शॉप। भैया मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने शॉप में समोसे बनाएंगे भैया, बहुत मज़ा आएगा। लोगों को समोसे बहुत पसंद है और हम उन्हें खिलाएंगे अच्छे अच्छे बना बना कर समोसे भैया, साथ में जलेबी अभी बनाएंगे भैया, बहुत मज़ा आएगा, हमारा कैफ़े बहुत अच्छा चलेगा भैया। देखिए अभी तो ये खाली है क्योंकि हमने अभी खोला है दुकान भैया, तो कोई भी नहीं है, तो थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये बॉटल्स बहुत पुरानी हो गई है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। हम इसमें किराने का सामान लाएंगे भैया, हम यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन भी है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, तो यहाँ पर हम समोसा और जलेबी दोनों बना सकते हैं। ओए आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, समोसा और जलेबी, वाह वाह मज़ा आ जाएगा। यहाँ भी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, मैं तो सोचता हूँ यहाँ पर एक बोर्ड लगा लेते हैं समोसा जलेबी का और ऑफ़र रख देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, तब लोग बहुत सारे आएंगे, मज़ा आ जाएगा। या एक काम कर सकते हैं कि समोसा खाने वाले को या जलेबी खाने वाले को हम थोड़ा बहुत पेट्रोल दे सकते हैं, या जो पेट्रोल डला के आएगा उसे एक समोसा या जलेबी देंगे। वाह भैया आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है भैया, लगता है हमारी दुकान बहुत चलेगी भैया। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले सामान ले लेते हैं भैया, सामान बहुत ज़रूरी है। ओए हाँ ये तो है, इस साइड ड्यूड मार्ट है, वहाँ जाके हम पूरी सामान ले लेते हैं, आलू ले लेंगे और साथ में किराने का बहुत सारा सामान, मैदा वगैरह भी ले लेंगे, नमक ले लेंगे, मज़ा आएगा। ओ देखिए, अरे बाप रे गाड़ी पलट गई, अरे देखा ना तूने कैसे वो गाड़ी चला रहा था, बेचारे की गाड़ी पलट दी, और वो तो अभी भी अंदर है, इसको ढकेल के देखें क्या। अरे ये हमारे बस का बात नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं, पुलिस वाले को बताएंगे तब वो ठीक करेगा। ये देख एक और गाड़ी आ रही है, देख के यहाँ तो लोग अंधाधुंध चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं। हाँ भैया देखिए ना कैसे कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो देखिए भैया मुझे लगता है ये दुकान इस साइड थी, तो एक बार दुकान जाते हैं भैया, वहाँ से पूरा सामान लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। भीड़ की कमी नहीं होगी भैया, लोग दौड़े चले आएंगे भैया हमारा समोसा खाने के लिए, मज़ा आ जाएगा। ओए हाँ ये तो है, बहुत मज़ा आएगा। और भैया कुछ नहीं मिला तो ये डूबर तो है ही भैया, ये हम इसे चलाकर काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। ओए उन सब की नौबत नहीं आएगी, मज़ा आएगा, चल हम आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये फोन तो आपका फिर से आ गया। ओए रुक, उठा रहा हूँ मैं। ओए हेलो, कहा था ना मैं दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, जैसे ही आएंगे दे दूंगा, अभी मुझे तंग करना बंद करो और रखो फोन को। अरे भैया कौन है ये जो आपको बार बार तंग कर रहा है, मुझे बताओ मैं देखता हूँ उसे। ओए आगी तू इन सब में मत पड़, बस तू अपना काम करता जा, ये देख यहाँ फॉर्म है लेकिन यहाँ पर कोई आलू नहीं है, यहाँ सब्जी उगाते तो अच्छा रहता, तो हमको केवल मार्ट में ही जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर हमको कुछ चीज़ें मिलेंगी, मुझे लगा कि ये फार्म है यहाँ पर कम से कम आलू तो मिल ही जाएंगे। हाँ भैया ठीक है, वहीं से सामान ले लेंगे, पर भैया आपको ये बार बार कॉल क्यों आ रहे हैं, आपने क्यों पैसे लिए, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं भैया? ओए कोई नहीं होगी, कुछ नहीं छुपा रहा, बस अपना काम करता रहा फिर देखते हैं। ठीक है भैया, अब मैं एक काम करता हूँ,
कहाँ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। डूड मार्ट यही तो होना चाहिए था। मैंने देखा हुआ था। अरे बाप रे, एक गाड़ी और निकली है। अरे बाप रे, कितने पास से गुजरी है भैया। देखिए, ये डूड मार्ट है इस साइड भैया, तो इस साइड चलते हैं और वहाँ से सामान ले लेते हैं। पर ये गाड़ियाँ तो लगता है मुझे मार के ही मारेगी भैया, क्योंकि इतने पास पास से गुजर रही है। रोड में किनारे चलने के बाद भी गाड़ी एकदम पास से गुजर रही है भैया। तो यही तो था ड्यूमर्ट, पता नहीं कहाँ गया भैया। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ओए तू सच में भटक गया है, तुझे समझ नहीं आ रहा। देख इतनी बड़ी जगह है, उसमें तू भटक गया। वो जो टावर दिख रहा है उस साइड हमारी शॉप है, और इस साइड में ये मार्ट है, तो हमको इस साइड जाना पड़ेगा। ये देख दूर से दिख रही है। अब यहाँ से सामान लेते हैं और सीधे अपने घर की ओर जाते हैं, मतलब शॉप की ओर जाएंगे। हाँ भैया, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखिए ये रहा ड्यूड मार्ट, अब इसमें से सामान ले लेते हैं। इसे पार करना पड़ेगा, तो ये रहा भैया। चलिए सामान लेते हैं। तो ये देखिए भैया, गेट अपने आप खुल गया, क्या बात है, ऑटोमेटिक डोर है। अब देखते हैं, यहाँ सब्जियाँ पड़ी है, इसे ले लेते हैं, ये काम आएगा। हम इसे डालेंगे और देखते हैं क्या चीज़ है भैया। ये देखिए भैया, ये आलू है क्या, इसे रख लूँ? तो इसे भी रख लेता हूँ। और इधर क्या है? इधर तो मीट है, ये काम की चीज़ नहीं है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। भैया यहाँ नमक और तेल कहाँ मिलेगा? क्या यहाँ पर है? देखिए भैया यहाँ पर मसाले हैं, मसाले ले लेते हैं यहाँ से, बहुत काम आएंगे। और ये देखिए भैया, आखिरकार हमें तवा मिल गया जिससे हम खाना बना सकते हैं, तो इसे भी रख लेते हैं। चलिए भैया इसको इस कार्ट में डाल देते हैं और इसी से जाएंगे। ओए ठीक है, गिर गया, उसे उठा ले। चल इसे कार्ट में डाल के फिर हम चलना चालू करते हैं, और बाकी सामान भी डाल दे। ठीक है, अब बाकी सामान भी डल गया इसमें, तो चल अब यहाँ से चलते हैं। हाँ भैया चलिए अब चलते हैं, ये कार तो बहुत अच्छी है भैया। अरे तवा गिर गया, अरे गाड़ी भी नहीं चल रही है, पर इसमें बाकी सामान तो है। तो चलिए भैया अब चलना चालू करते हैं, इस साइड शायद हमारा घर था। चलिए यहाँ चलते हैं, शॉप की तरफ चलते हैं भैया, और पूरे सामान को रख के आते हैं। ओए पहले गाड़ी तो चलाना सीख, कैसे पलट जा रहा है कार्ट को पू। अरे बापरे, तूने गाड़ी को टकराते टकराते बचा, कार को देखते हुए चल, कैसे चला रहा है अंधाधुन। अरे बापरे, अरे पूरा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा ध्यान से चला, कहीं कार्ट में रखा सामान पूरा नीचे ना गिर जाए, और फिर हम जितना भी खरीदा हुआ है सब नुकसान हो जाएगा और हम कुछ बना नहीं पाएंगे। अरे भैया उसकी आप चिंता ना करो, मैंने उसे कार्ट में अच्छे से बांध कर रखा हुआ है भैया। देखिए ये कार्ट वैसे भी इधर उधर होती है, तो ठीक है इसे दुकान में ले जाकर छोड़ देते हैं भैया, ये रही अपनी दुकान। चलिए अब जाना चालू करते हैं, ये उस पार जाके हम सामान रख देंगे। अरे ये क्या हुआ भैया, कार्ट तो यहाँ फंस गई, अब आगे भी नहीं जा रही है। लगता है ये सामान को सीधे हाथ से ले जाना पड़ेगा भैया। सामान निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिर वहाँ चलते हैं। ओए ठीक है चल, अभी वैसे भी रात होने वाली है, सवेरे इसके काम पे लगेंगे और सबको खिलाएंगे, मज़ा आएगा। रात में थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सुबह आकर समोसे तलना चालू करेंगे। ठीक है भैया, अभी तो थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं और सामान रखकर थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं भैया, तब ठीक रहेगा। 2000 years later. वाह भैया देखिए हमारी दुकान में कितनी भीड़ हो गई। सबने समोसा खाया भैया और जलेबी भी खाई, और देखिए डांस करते हुए जा रहे हैं भैया, वाह मजा आ गया भैया। क्या बात है, और इस आदमी को भी बहुत पसंद आई। क्यों भैया हमारी जलेबी और समोसा कैसे थे? वो एक नंबर भीड़ू, मजा आ गया, क्या समोसा क्या जलेबी थी, वाह। ओए देखा तूने, वो तो दीवार में गायब हो गया। बाप रे, मैं सपना तो नहीं देखा, वो कहाँ चला गया? पता नहीं भैया, पर लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारा समोसा और जलेबी खाई भैया, और नाश्ते गाते हुए जा रहे हैं भैया। इसका मतलब है ये और लोगों को बताएंगे, जो और लोग आएंगे भैया हमारे समोसा जलेबी खाने के लिए, तो हमारी शॉप तो चल निकली भैया। इतने सारे लोग आए थे, वो भी दूर दूर से, और हमारा प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ भैया। हमने जो ऑफर दिया हुआ था वो खूब चल गया। अरे भैया कहाँ चले गए? अरे अभी तो यही थे। अरे दुकान में भी नहीं है। अरे अचानक से कहाँ गायब हो गए? मैं वहाँ देखने में क्या बिजी हो गया, भैया गायब ही हो गए। अब कहाँ ढूंढूंगा उन्हें? अरे इस दुकान में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अरे अचानक से भैया कहाँ चले गए? लगता है उनको कोई काम आ गया होगा, तभी वो घर चले गए होंगे। ऐसे बिना बताए वो ऐसे तो नहीं जाते हैं, अब उनको ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ अचानक से, ये गायब कैसे हो गए? और
हमारा दुकान इतना चल निकला, उनको खुशी भी हुई, पर वो अचानक से कहाँ चले गए। देख आइए, रोक तो जा रहे हैं अभी भी और खस्ते गाते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा दुकान बहुत अच्छा चला है और हमने बहुत अच्छा समोसा और जलेबी बनाई थी। वाह, और नाश्ता बनाएंगे और मज़ा आएगा, और बड़ा दुकान करेंगे, इसमें इडली और डोसा भी रखेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे लोग आएंगे हमारे यहाँ नाश्ता करने के लिए। भैया को ये सब जान के कितनी खुशी होगी। लेकिन पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अब ढूंढना पड़ेगा। चलो घर चलता हूँ, वहीं जाकर देखूँगा कि भैया कहाँ पर हैं। वैसे तो जैक भैया ऐसे गायब नहीं होते, पर पता नहीं कहाँ चले गए। तो चलो अपने घर चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और कल का तैयारी भी तो करना है। आज शॉप बहुत अच्छी चली है, आज इतनी चली कि पूरा सामान ख़त्म हो गया, फिर से सामान लेने जाना पड़ेगा, फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि कल फिर से काम कर सकूं। तो ऐसे ही करते करते हम बहुत अमीर बन जाएंगे और खूब सारा घर भी खरीदेंगे, कार भी खरीदेंगे, मज़ा आ जाएगा। अभी तो साइकिल भी नहीं है, पर जब हमारे पास पैसा होगा तब हम कार भी खरीदेंगे। ये सब बताऊंगा भैया को, बहुत मज़ा आएगा। देखता हूँ, चलो इस साइड है हमारा घर, किस साइड है मैं भूल गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा मैं रास्ता भूल जाता हूँ, वो तो जैक भैया बता देते हैं तब समझ में आता है। इस साइड तो हमारी दुकान है, तो घर कहाँ गया जैक भैया बिना मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अरे बाप रे, इतनी सारी कार एक साथ आ रही है, अभी ठोक देती मुझे। बीच रास्ते में चल रहा हूँ मैं भी ना, कैसे हूँ। ये लैमिनेट वाले से पूछता हूँ। क्या लैमिनेट वाले भैया, आपने मेरे जैक भैया को देखा है क्या? आपका एक नींबू ले लेता हूँ। अरे वो रहा हमारा घर, अब पता चल गया। तो चलो घर चलता हूँ और जैक भैया को बताता हूँ कि कितना अच्छा कारोबार हुआ। वैसे तो साथ में ही थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। अब घर चलता हूँ। जैक भैया कहाँ हैं आप? आ जाइए, छुपिए मत भैया। अरे दुकान, ये दरवाज़ा भी खुला हुआ है, पीछे का दरवाज़ा, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैक भैया कहाँ चले गए? अरे ये तो खाली पड़ा हुआ है पूरा घर, और खुला भी हुआ है तो। अरे बाप रे, हम तुम कौन हो? वह चुपचाप पैसा दे दे, तेरा जैक हमारे पास में है, अगर पैसा नहीं दिया तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? जैक भैया तुम्हारे पास में है और तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। अरे ये तो मर गया, बिना बताए, कुछ बताए बिना ही मर गया। अरे बाप रे, अब कैसे पता चलेगा? अरे उठो भाई, उठो भाई, बताओ मेरे जैक भैया कहाँ हैं, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं ला के दूंगा, पर मेरे जैक भैया को छोड़ दो। अब क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ मेरे जैक भैया कहाँ गए? लगता है इसे अगले वीडियो में ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप रे, गए कहाँ गए जैक भैया?